हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आरबी फैशन डिज़ाइन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये प्यारी सी अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसका हम आपको कुर्ती कट करके बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने कपड़े को यहाँ डबल में रखा है, डबल फोल्ड करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और ये हमारा कपड़ा 1.25 मीटर है, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, ऐसे एक बार और फोल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो कुर्ती बनानी है वो बहुत हैवी साइज़ नहीं बनानी है, तो इसलिए हमारा इतने में ये हो जाएगा। देखिए, अभी हम इसको बराबर कर लेंगे। तो हमने इसे कपड़े को अब 4 बार हमने ऐसे मोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 39 इंच, तो हम पूरा नहीं रखेंगे। अस्तर का कपड़ा हम अंदर से कम रखते हैं, इसलिए हम कुछ 2-3 इंच कम करके रखेंगे। हम 37 इंच पे रखेंगे, ठीक है। 8 इंच हमारा मोड़ने में जाएगा, 36 इंच का हो जाएगा। तो ये देखिए, हम यहाँ पे ऐसे निशान बनाएंगे। तो अब हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा हमारा 12 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ आर्म होल के लिए लेंगे, तो 6 इंच पे ले लेंगे ये आर्म होल का। आर्म होल हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमारा इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। हम स्केल की मदद से सीधा करेंगे। देखिए, हमने खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल का हो गया है। अब हम सीने का निशान लगाएंगे। तो हमारा सीना है 32 इंच, तो हम यहाँ पे 8 इंच लगाएंगे। तो 8 चौका 32, 8 इंच लगाएंगे तो हमारा 32 इंच सही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब हम ऐसे ही करके अब हम कमर के ले लेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8.5 इंच पे अपने इस इंची टेप को रखेंगे और ये हमारा जो होगा वो हिप का निशान होगा। और फिर हम 6 इंच पे रखेंगे, ये हमारी कमर का होगा, ठीक है। इन तीनों दोनों और इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम सीधा कर लेंगे इन लाइनों को। ये देखिए, ऐसे एक एक करके हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम हिप का निशान लगाएंगे और यहाँ पे कमर का। तो कमर है हमारी, हम कमर का, कमर है हमारा 27.5 इंच, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे, 7.25 इंच। और हमारा हिप है 33 इंच, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 इंच और कुछ 2 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम 1.5 इंच, अब हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे, यहाँ पे गुलाई देंगे। तो यहाँ पे पहले हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और फिर एक निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 इंच वाला हमारा फ्रंट होगा और ये वाला हमारा बैक होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे गुलाई देंगे, इस निशान को बढ़ा लेंगे और अब हम ऐसे गुलाई देंगे, इसी निशान पर मिलाते हुए ऐसे गुलाई देंगे, ठीक है। ऐसे ही दोनों को हम गुलाई दे देंगे और अब हम इस निशान पे ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेंगे, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमने अपने निशान को थोड़ा डार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम चौक का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने 37 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे, जितना निशान हमने यहाँ रखा है उतना ही हम यहाँ चौक के लिए भी रखेंगे, क्योंकि जितना हमारा ये होता है उसी हिसाब से हमारा चौक बनता है। जितना हमारा हिप साइज़ होता है उसी हिसाब से। तो हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पे जितना हमने यहाँ रखा था उतना हम रखेंगे, 8 इंच करीब 2 पॉइंट रख देंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल मिला के सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमने सीधा कर लिया। हम तुरपाई वाला नहीं बना रहे हैं, हम सिलाई वाला बनाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा इसके लिए यहाँ पे कपड़ा नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे 1 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हम सिल के बनाएंगे, तुरपाई नहीं करना है हमें, इसलिए हम यहाँ पे केवल 1-1 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे, ठीक
ठीक है, इस निशान को भी हमने ऐसे मिला लेना है। यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे, यहाँ पे हम मार्जिन डेढ़ डेढ़ इंच का रखेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो 2 इंच रखो, 1 इंच रखो, वो आपके ऊपर है, पर मैं हमेशा 1.5 इंच का रखती हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है तो एक्स्ट्रा रखना, और अगर कम है तो कम रखते हैं। इसलिए अब हम इन निशान पे भी यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला लेंगे इन निशानों को भी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस पे ही अब हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इतना ही सब कपड़ा है, इसलिए हम इसको कट करके पूरा निकाल देंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही हमने कपड़े को कट करके निकाल लिया है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। ये देखिए, हमने कपड़े को बिछा के ऐसे रख लिया, अपने अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के पे रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लंबाई कम है, अस्तर का कपड़ा इसलिए हमने छोटा रखा है। अब हम इधर यहाँ से बिल्कुल रखते हुए 39 इंच, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए आधा इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इधर बिल्कुल आते आते हम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 39 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे इसमें भी, क्योंकि हम मोड़ के सिलेंगे तो हमारा कपड़ा 1 इंच कम हो जाएगा, इसलिए हम इस पे यहाँ पे भी 1 इंच बढ़ा लेंगे। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने ये निशान डार्क कर लिया है। अब हम इसी पे बाकी सब हमारा यही रहेगा, यहीं पर हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऐसे हम कुछ पिन लेंगे और यहाँ पे ऐसे सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल इधर उधर ना हो, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ही हम कर देंगे, हमारा अस्तर का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक है। अब हम कटिंग करेंगे, ठीक है, इसी पे हम कटिंग कर लेंगे अपने कपड़े की। ये देखिए, अब हमने कट करके इसको भी रेडी कर लिया है, ऐसे भी हम पीछे वाले पार्ट को भी कट करके रेडी करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको भी कट कर लिया है, दोनों पार्ट को बिल्कुल वैसे ही कट कर लिया है, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा वाला 1 इंच का लगाया था निशान, उसको भी हमने कट कर लेना है। और उसके बाद अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने बाजू कट करने के लिए हमने कपड़ा मोड़ लिया है, और ये हमारा ऐसे करके 4 लेयर में है, ठीक है, ऐसे मोड़ लेंगे। अब हम लेंगे लंबाई का नाप। तो लंबाई हमें चाहिए, तैयार लंबाई हमें 14 इंच चाहिए, तो इसको हम 15 इंच पे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी 15 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी लंबाई है 9 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो हम, तो ये देखिए, हमारा 9 इंच में वो 2 पॉइंट कम है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, जितना हमारा है ऐसे हमने कपड़े को मोड़ा है जैसे, तो ये हमारा 9 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो हम यहाँ 8 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहीं पे क्या करेंगे कि 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहीं से गुलाई देते हुए, ऐसे गुलाई देते हुए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम हमारी ये बाजू की जो मोहरी है, ये हमारी बाजू की जो मोहरी है वो 9 इंच है, तो हम यहाँ पे 4.5 लगाएंगे, तो 8 और आधा इंच ही 9 इंच का हो जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ भी अब हम 1.5 इंच रख के एक्स्ट्रा वाला ले लेंगे, ठीक है, जो हमने सूट में मार्जिन रखा था उतना ही हम इधर भी रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इन सबको मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिला लेंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हम
हमारे आर्म होल में जितनी भी गोलाई आएगी उतने पे हम मिला लेंगे, हमारे में है 14 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे में 14 इंच है। देखिए हम इस निशान से एक बार देख लेते हैं कि 7 इंच आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे और ऐसे अपने इसी टेप को ऐसे घुमाते आएंगे और ऐसे घुमा के लाते हैं। देखिए हमारा, देखिए 7 इंच से एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, तो हमारा यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम इसी निशान पे कट कर लेंगे, इसी निशान पे हम बिल्कुल कट कर देंगे। ये देखिए हम ऐसे ही, यहाँ पे अब हम बीच में एक कट लगाएंगे ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा अंदर को गहराई देते हुए यहाँ पे हम कटिंग करके कपड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो अब हम खोल लेंगे ऐसे कपड़े को, इधर डबल और इधर डबल छोड़ेंगे और ऐसे भी हम खोल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अंदर को ऐसे निशान लगाया है इसको हम कट करेंगे। ये हमारा आगे का साइड का होगा। ठीक है, ये कट गया, अब हम मेन फैब्रिक पे ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने अस्तर के फैब्रिक पे कट किया था, अब हम क्या करें हैं, हमने क्या किया इसको खोल के और ऐसे मेन फैब्रिक पे रख लिया। ठीक है, क्योंकि मोड़ने पे ये मालूम नहीं पड़ रहा था इसलिए हमने खोल दिया और उतना ही कपड़ा कट करेंगे जितनी की हमें ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे हम फैब्रिक पे खोल के रख लेंगे मेन फैब्रिक पे और ऐसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, बाहर बाहर से और सिलाई लगा के इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा रहेगा ना तो जब ये कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जब हम सिल लेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये देखिए ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सूट कट के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमारा आगे का पार्ट और ये हमारा पीछे का पार्ट है, ये हमारी बाजू है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। ठीक है, तो हमारा ऐसे ही कट के रेडी हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।